वेलकम टू शर्मिस किचन। आज मैं थोड़ा नया स्टाइल में सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसको कढ़ाई में खा खा के हम लोग बोर हो गए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नया स्टाइल में सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं ली हूँ ये 8-10 आलू, छोटा आलू, स्मॉल पोटैटो को मैं 20 से काट के 40% इसको कुक कर ली हूँ। और गोभी को भी मैं ऐसे टुकड़ों में काटी हूँ, पर इसका डंडी रखी हूँ, डंडी निकाली नहीं हूँ। इसको भी थोड़ा सा मैं 40% कुक कर ली हूँ। और भिंडी कुक नहीं की हूँ, बीच से ऐसे करके चीरा लगा लगा के रखी हूँ ऐसे करके। और उसके लिए ली हूँ आधा नींबू। और मसाला में ली हूँ, खड़े मसाले में मैं ली हूँ सौंफ, जीरा, वाइट जीरा, धनिया, गोटा धनिया, अली मेथी, कलौंजी, ये ली हूँ मैं खड़े मसाले। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और मैं ली हूँ मसाला, ड्राई मसाला में ली हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच ली हूँ हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, चीनी थोड़ा बैलेंस करने के लिए, और 2 मिर्ची ली हूँ लाल मिर्च, और ली हूँ थोड़ा सा हींग और चाट मसाला। चाट मसाला आमचूर जो भी आप ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आमचूर ली हूँ। आइए स्टार्ट करते। पहले मैं इस सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मैं धनिया को दे दी, जीरा को दे दी, आगे इन दोनों को दे दी, फिर सौंफ को भी दे दी, तीन को, तीनों चीज को मैं अच्छे से आगे ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ज्यादा इसको काला नहीं करूंगी, हल्का ड्राई रोस्ट करूंगी। ये देखिए मैं इसको 2 मिनट के लिए मिला ली थी, हल्का स्मोकी थोड़ा सा फ्राई का फ्लेवर आ गया है इसमें। अब मैं ये कलौंजी और मेथी जो ली थी इसको दे दूंगी। इसको भी मैं 1 मिनट करीब इसमें थोड़ा सा हल्का भून लूंगी। एक गुना खुशबू आ जाएगा, जिससे मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैं 1/2 चम्मच अजवाइन भी ली थी, उसको भी मैं दे दी हूँ थोड़ा सा। देखिए उसको भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इसमें हिला लूंगी, फ्राई कर ले रही हूँ सबको को। ये देखिए मेरा हो गया है फ्राई, ये थोड़ा सा भून गया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके दरदरा कूट लूंगी, पाउडर नहीं बनाऊंगी, दरदरा कूटूंगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा एक बार घुमा ली थी, अब फिर मिर्चा देके एक बार घुमा ले रही हूँ। ये देखिए मैं मसाला को ये कर ली हूँ पाउडर, देखिए दरदरा रखी हूँ मैं, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाई हूँ। अब मैं इसमें दे दूंगी ये ड्राई मसाला जो मैं ली थी, नमक थोड़ा ज़्यादा करके दूंगी क्योंकि ऊपर से ये जाएगा मसाला, इसलिए नमक थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा देना है इसमें। नमक, ये चीनी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, मैं सबको साथ में इसमें दे दूंगी। देने के बाद इसमें मैं 1/2 चम्मच हींग दूंगी, ये छोटे चम्मच के हिसाब से मैं हींग दे रही हूँ। ये देखिए पिंच ऑफ हींग, तो मैं ये 1 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा करके आमचूर दूंगी, ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट होगा। तो मैं 1 चम्मच बड़ा चम्मच, इस चम्मच के हिसाब से मैं 1 चम्मच चाट मसाला आमचूर ली हूँ, आप चाट मसाला ले सकते हैं। और मैं ये मसाले सबको मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं ये मसाला एक एक करके इसमें भरूंगी भिंडी में। आप इसमें कोई भी सब्जी ले सकते हैं, आप बैंगन आती है बैंगन ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, परवल आती है पटल बोलते हैं जो परवल, वो भी ले सकते हैं। ऐसे करके पूरे मसाला को भिंडी में देना है। मैं बीच से थोड़ा सा चीरा लगा ली हूँ। ऐसे करके मैं सारी भिंडी में मसाले दे दूंगी, और आलू को मैं ऐसे करके थोड़ा सा डीप कर लूंगी मसाले में, आलू सब ऐसे करके सारे सब्जियों को मैं ऐसे करके मसाले में कोट कर ले रही हूँ।
आलू कर ली हूँ, गोभी सबको भी मैं कोट कर लूंगी थोड़े मसाले में। देखिए ये देखिए गोभी सबको मैं कोट कर ले रही हूँ मसाले में। देखिए मैं सब मसाला कोट कर ली हूँ सब सब्जी में, मेरा कोटिंग हो गया है, आलू में भी हो गया, भिंडी में भी हो गया सारे मसाले कोट। अब मैं इसको करूँगी फ्राई, ये फ्राई करूँगी मैं तवा में। मैं पहले थोड़ा तेल ले लेती हूँ तवा में, आप तो होटल में खाए होंगे, ये घर का तवा फ्राई है। अब मैं इसमें तेल जैसे गरम होता है तो मेरा तेल गरम हो गया। अब मैं ये एक एक भेज को मैं छोड़ दूंगी, मैं इसको लो फ्लेम कर दे रही हूँ। दो फ्लेम करके इसको मैं अब ढक के पकाऊंगी। आइए देख लेती हूँ मेरा फ्राई हुआ कि नहीं। हाँ हो गया थोड़ा फ्राई, एक साइड मैं थोड़ा पलट देती हूँ, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ, ढक देती हूँ। देखिए मेरा पूरा तवा फ्राई पूरा रेडी हो गया है, देख ले तो आलू जो है कि नहीं। देखिए आलू भी हो गया है, गोभी भी पूरा फ्राई हो गया है, मेरा तवा फ्राई रेडी है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ में गरम गरम तवा फ्राई सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा और सिर्फ थोड़ा सा बटर दूंगी। अगर जो खाना चाहते हैं बटर खा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, पर इसमें बटर देने से इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसमें मैं दे दूंगी थोड़ा सा जो मसाला बनाई थी ये ऊपर से थोड़ा सा दे दूंगी। स्प्रिंकल कर दे रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा ये मसाला। ये देखिए मेरा तवा फ्राई रेडी है। आप ये जो नींबू मैं ली थी इसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दो चार ड्रॉप पर से नींबू दे दूंगी। ये मेरा तवा वेजिटेबल रेडी है। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा।